इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया, नर्सिंग होम आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल चंडीगढ़ रोड टोहाना। बहुत शीघ्र ही उसमें निर्णय होगा, विचार विमर्श किया गया, सभी लोगों ने अपने अपने विचार कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंचाए हैं और अब उनका भी इस पे मंथन होगा, सर्वे रिपोर्ट आएगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बेहतर कैंडिडेट को हम मैदान में उतारें ताकि वो ये आने वाले लोकसभा के चुनाव पर अच्छे साबित हों और इसमें विजय का परचम लहराए। जी को मंडी से अब उतारा गया है, कैंपेन पिछले कल से उन्होंने शुरू भी कर दिया है, इतना आश्वस्त थे हालांकि पहले से ही कहे कि राज परिवार की वो सीट रही है लोकसभा, कितना इस बार मजबूत दावा है? देखिए हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने हमें बहुत प्यार और समर्थन दिया है। लेट वीरभद्र सिंह जी भी इस सीट पर 4 बार चुनकर आए थे, 3 बार मुझे भी लोगों ने मौका दिया, हमने बहुत सेवा करने का प्रयास किया और जो भी लोगों की दुख तकलीफ थी उसको दूर करने का भी हमने भरसक प्रयास किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि एक नौजवान चेहरा उतारा जाए, तो उन्होंने विक्रमादित्य को इस सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से मंडी संसदीय लोगों का हमें सदा साथ मिला है, उनका प्यार मिला है, हमने विपरीत। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।